कोई भी फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है। दिस इज ए स्ट्रेट लाइन। फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स एंड वाई वेरिएबल इज नॉन एज स्ट्रेट लाइन। वैसे स्ट्रेट लाइन की डेफिनेशन क्या होती है? अगर दो पॉइंट्स हैं आपके पास ए और बी, ए मान लीजिए एक्स वन वाई वन एंड बी एक्स टू वाई टू, दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट होता है, जो कर्व होता है, उसके ऊपर लाई करने वाला हर पॉइंट उसकी इक्वेशन पे लाई करता है, तो वो एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, वो एक स्ट्रेट लाइन होती है। मान लीजिए स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन, आपने कहा कि यहाँ पर फर्स्ट डिग्री इक्वेशन है एक्स और वाई में, वो स्ट्रेट लाइन है। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लिया आपने, एक्स ए और बी पॉइंट है, एक्स टू वाई टू, एक्स वन वाई वन, दोनों इस स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, तो नहीं, भी एक स्ट्रेट लाइन की स्ट्रेट लाइन होगी। तो यहां पर ए बी को ज्वाइन करने वाला जो सेगमेंट है, जो कर्व है, इसके ऊपर लाई करने वाला हर इक्वेशन, हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। देखिए, अगर इसके ऊपर कोई एक्स थ्री कॉमा वाई थ्री पॉइंट लेते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट सी है, सी इसको लैम्डा इज टू वन रेशियो में डिवाइड कर रहा है, सो सेक्शन फार्मूला से आपके पास क्या आ जाएगा? एक्स थ्री इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन दिस इज लैम्डा प्लस वन, एंड एक्स वाई थ्री क्या आएगा आपके पास? दिस इज लैम्डा वाई थ्री प्लस वाई वन, सॉरी लैम्डा वाई टू अप प्लस लैम्डा वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, ये सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो गए। तो ये एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी अगर इस पे, इस ए बी लाइन सेगमेंट पे लाई करने वाला हर पॉइंट इसके ऊपर लाई करता है। हम ये मान के चल रहे हैं कि ए वन इस लाइन के ऊपर लाई करता है, तो ए इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी विल बी इक्वल टू किसके होगा? जीरो, एंड ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी दिस इज आल्सो इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें, इस इक्वेशन में आप क्या करते हैं, ये पॉइंट रखेंगे एक्स थ्री और वाई थ्री, क्या आ जाएगा? ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी, देखते हैं ये जीरो के इक्वल आता है या नहीं। सो देखिए यहाँ पर ए इंटू क्या होगा? लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन, लैम्डा एक्स टू प्लस एक्स वन अपॉन लैम्डा प्लस वन, एंड प्लस क्या आएगा आपके पास? बी इंटू क्या आएगा? दिस इज वाई थ्री की वैल्यू पुट करते हैं, दिस इज लैम्डा वाई टू प्लस वाई वन अपॉन लैम्डा प्लस वन एंड प्लस सी। ये देखिए जीरो के इक्वल आता है कि नहीं। अब इसका एलसीएम क्या आ गया आपके पास? लैम्डा प्लस वन, सो क्या आएगा? ए इंटू एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी इंटू लैम्डा हो जाएगा, एंड प्लस ए एक्स वन प्लस बी वाई वन एंड प्लस सी, ये फैक्टर आएगा आपके पास। दिस इज क्या है आपके पास? दिस इज वाई टू। अब एक्स टू वाई टू इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है क्योंकि इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, हमने ऑलरेडी लिया है, तो ये फैक्टर किसके इक्वल हो गया आपका? जीरो प्लस जीरो। तो इसका मतलब अल्टीमेटली ए एक्स थ्री प्लस बी वाई थ्री प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इस लाइन पे लाई करने वाला हर पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो ये किसकी इक्वेशन है? स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। तो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन क्या हुई आपके पास? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो स्ट्रेट लाइन की जनरल इक्वेशन होगी। जनरल इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन।
दिस इज स्ट्रेट लाइन, क्या हो गया आपके पास, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब स्ट्रेट लाइन, अगर कोई स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में मींस एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा एंगल बनाती है तो उसका स्लोप क्या होता है, स्लोप मींस उसका ढलान क्या होता है, स्लोप ऑफ द लाइन, इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं, दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपका टेन थीटा। टेंजेंट ऑफ दैट एंगल विच द लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये इसका क्या होगा, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। अब स्लोप ऑफ लाइन, अगर हमें किसी लाइन के ऊपर टू पॉइंट्स का पता है, दिस इज एक्स वन वाई वन एंड सेकंड पॉइंट है आपके पास एक्स टू वाई टू, एक्स टू वाई टू, यहां से परपेंडिकुलर डाला, ये आपके पास लेंथ है दिस इज एक्स वन एंड ये लेंथ आपके पास दिस इज एक्स टू, तो ये लेंथ क्या बचेगी आपके पास x2 माइनस x1 एंड ये टोटल लेंथ आपके पास दिस इज y2 है एंड ये y1 लेंथ है, इस कोऑर्डिनेट से यहां पर परपेंडिकुलर डाला है तो ये लेंथ क्या आ जाएगी आपके पास दिस इज y2 माइनस y1। सो tan थीटा लाइन का स्लोप होता है एंड थीटा इज दैट एंगल व्हिच लाइन मेक्स विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, मींस एक्स एक्सिस को कॉइंसाइड करते हुए इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो जो एंगल सबटेंड होगा उसकी टेन में वैल्यू किसी भी लाइन का क्या होता है, स्लोप होता है। सो देखिए आपके पास दिस इज ए बी सी डी और ई, ये ट्रायंगल लेते हैं, ए बी सी ट्रायंगल ए डी ई से सिमिलर है तो ये एंगल क्योंकि इसके इक्वल है एंड दिस इज 90, ये भी 90 है एंड ये एंगल कॉमन है तो आपके पास ये दोनों एंगल थीटा है तो tan थीटा यहां से क्या आ जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1, दिस इज ac अपॉन bc अपॉन x2 माइनस x1। सो लाइन के ऊपर अगर आपको टू पॉइंट्स का पता है तो उनकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन। जैसे आपको दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू फाइंड कीजिए, अगर ये किसी लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं थ्री और फोर है एंड दिस इज फाइव और एट एंड उसका स्लोप है दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन एम इज इक्वल टू टू दे रखा है, स्लोप ऑफ द लाइन इज इक्वल टू टू। सो आपके पास टू स्लोप किसके इक्वल होगा, क्या बताया आपको, वाई टू माइनस वाई वन, ए माइनस फोर अपॉन फाइव माइनस थ्री, सो क्या आ गया आपके पास a माइनस फोर अपॉन टू इज इक्वल टू टू, सो a माइनस फोर इज इक्वल टू फोर, a की वैल्यू क्या आप फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या है आपके पास, दिस इज a, a की वैल्यू ऐसे केस में क्या होगी आपकी a। सो सिर्फ हमने क्या किया है, उस फार्मूले को जो हमने ड्राइव किया था कि दो पॉइंट्स का पता है तो उसका स्लोप कैसे निकालेंगे, जस्ट उसको कवर किया है, उसको रिवाइज किया है। अब देखिए ये कहता है द इंक्लिनेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट दे रखा है माइनस थ्री और सिक्स, एक लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है एंड द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग, दो पॉइंट्स दे रखे हैं बी और सी, वो जो गिवन लाइन है दैट पासिस थ्रू पॉइंट ए एंड मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन, मिड पॉइंट ऑफ this line, you have to find the inclination means slope of this line find out karna hai. So aapke paas b ke coordinate hai, kya hai, this is 4 and minus 5 and c ke coordinate hai aapke paas, this is minus 2 and 9. So iske midpoint means maan lo ye d midpoint hai, d aur ad ko join karne wali jo line hai uska aapko slope find out karna hai। इसके लिए आपको D के कोऑर्डिनेट पता होना जरूरी है, क्या आ जाएगा D के कोऑर्डिनेट, D मिड पॉइंट है, सेक्शन फार्मूला से 4 माइनस 2 अपॉन 2 दिस इज 1 एंड 9 माइनस 5 दिस इज 4 अपॉन 2 दिस इज 2, तो
तो स्लोप ऑफ लाइन क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ एडी, एडी का स्लोप क्या होगा, एडी लाइन का स्लोप होगा दिस इज 6 माइनस 2 अपॉन माइनस 3 एंड माइनस 1, दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 4, दिस इज इक्वल टू माइनस 1। ये कितना एंगल होगा, इसका इंक्लिनेशन कितना होगा, आप यहाँ पर थीटा फाइंड आउट करें तो tan थीटा इसके किसके इक्वल है, माइनस 1 के इक्वल है एंड दिस इज इक्वल टू tan 3 pi by 4। तो थीटा कितना आपके पास, दिस इज 3 pi by 4, दिस एंगल इज 3 pi by 4। सो ऐसे क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। आप नेक्स्ट देखिए, ये कहता है कि तीन पॉइंट्स हैं आपके पास जिनके एक्स कोऑर्डिनेट्स आपके पास x1, y1, x2 एंड x3 है एंड दे आर इन जीपी, ये किसमें है, जीपी में है एंड उन्हीं के y कोऑर्डिनेट्स मींस ऑर्डिनेट बोलते हैं इनको, कोऑर्डिनेट्स ये क्या है आपके y1, y2, y3, ये भी आपके किस में है, जीपी में है एंड दोनों का जो कॉमन रेशियो है वो r है, दोनों का कॉमन रेशियो क्या है, r है। सो आप ये बताएंगे कि ये स्ट्रेट लाइन में लाई करते हैं, कोलिनियर हैं या पैरेलल हैं या क्या कंडीशन, किस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं। मान लीजिए एक P पॉइंट है जिसके x1 y1 कोऑर्डिनेट्स हैं एंड Q पॉइंट्स है जिसके कोऑर्डिनेट्स x2 और y2 हैं एंड r पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है x3 एंड y3 एंड आपके पास x1 x2 x3 जीपी में है जिनका कॉमन रेशियो r सपोज किया हमने एंड y1 y2 y3 दीज आर आल्सो इन जीपी एंड दोनों का कॉमन रेशियो सेम है। सो आपके पास ये पॉइंट्स क्या होंगे, पी पॉइंट क्या होगा आपके पास x1 एंड y1, क्यू पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा x1 r, क्योंकि x1 x2 x3 जीपी में है तो ये x1 है, ये x1 इनटू r होगा एंड ये x1 इनटू r स्क्वायर के इक्वल होगा। सो पॉइंट ऑफ क्यू पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट x1 r एंड y1 r होगा एंड r पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 r स्क्वायर कॉमा y2 r सॉरी x1 r स्क्वायर कॉमा y1 r स्क्वायर, ये कोऑर्डिनेट्स होंगे। अब देखिए अगर हम स्लोप ऑफ PQ फाइंड आउट करें, स्लोप ऑफ PQ दिस इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास y1 r माइनस y1 अपॉन x1 r माइनस x1, दिस इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 आएगा, r माइनस 1 जब इसको कॉमन लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली अगर आप क्या करते हैं स्लोप ऑफ दिस इज QR का स्लोप लिया, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास, r के कोऑर्डिनेट्स हैं आपके पास x1 r स्क्वायर माइनस x1 r, ये आपके पास यानी कि x3 माइनस x2 है एंड सॉरी दिस इज y कोऑर्डिनेट्स लेंगे y1 r और y1 r स्क्वायर माइनस y1 r और यहां पर होगा x1 r स्क्वायर माइनस x1 r, सो दिस विल बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 कॉमन लिया क्या बचेगा r स्क्वायर माइनस r एंड x1 कॉमन लेंगे r स्क्वायर माइनस क्या होगा r, ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू y1 अपॉन x1 है। सो यहां एक और कंसेप्ट आपके पास आया है, दोनों लाइंस के स्लोप इक्वल हैं। आपके पास दो लाइन है, एक L1 लाइन है दिस इज L1 एंड दूसरी अगर लाइन उसके पैरेलल है L2 लाइन पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्स लाइन होगी, ये एंगल कोरेस्पोंडिंग एंगल होंगे दोनों क्या होंगे थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल होंगे
और टेन थीटा वन इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा टू होगा, एंड ये क्या होते हैं आपके स्लोप होते हैं, दिस इज एम वन एम टू दोनों के स्लोप इक्वल होंगे। अगर दो लाइंस आपके पास पैरेलल हैं मींस एक्स एक्सिस के साथ वो क्या सेम एंगल बनाती हैं, सेम मैग्नीट्यूड का एंगल फॉर्म करती हैं, तो टेन थीटा वन और टेन थीटा टू भी इक्वल होगा, मींस उसके स्लोप इक्वल होंगे। सो यहां पर पी क्यू का स्लोप एंड क्यू आर का स्लोप आपके पास सेम स्लोप आया है, इट मींस क्या आ गया, पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर हो गया, पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर। लेकिन इसमें एक और बात छुपी हुई है एंड वो ये है, आपके पास पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर, अगर ये होता आपके पास ए बी इज पैरेलल टू सी डी, कहानी खत्म हो जाती, दोनों का स्लोप इक्वल है, दोनों लाइंस पैरेलल है। बट इस केस में पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर है, कहानी पी से शुरू होती है पी क्यू एंड सेकंड लाइन जो आएगी इसी के पैरेलल होगी एंड क्यू से स्टार्ट होती है, सो पी क्यू आर पॉइंट्स क्या होंगे, पी कॉमा क्यू कॉमा आर पॉइंट्स क्या होंगे आपके पास, दीज विल बी कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। ये पॉइंट्स कैसे होंगे, कॉलिनियर पॉइंट्स होंगे। सो अगर पी क्यू इज पैरेलल टू क्यू आर, दो लाइंस पैरेलल हैं एंड उनमें एक पॉइंट कॉमन है, तो इसका मतलब है वो तीनों पॉइंट जिनसे लाइन बनी हुई है दोनों, वो क्या है, तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होंगे। अब देखिए अगर आपके पास कोई भी लाइन है दैट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है मींस पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बनाती है, थीटा इज इक्वल टू जीरो है, एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है उनमें एंगल कितना है, थीटा जीरो है, तो स्लोप क्या होगा, एम इज इक्वल टू टेन जीरो एंड टेन जीरो कितना होता है, जीरो। सो एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस क्या स्लोप रखेगी, जीरो स्लोप होगा। अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस है मींस एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल फॉर्म करती है, पाई बाय टू, सो उसका स्लोप क्या होगा, दिस इज एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा आपके पास पाई बाय टू है, दिस इज इंफिनिटी, मींस उसका स्लोप जो होता है वो डिफाइंड नहीं होता, उसका स्लोप क्या होता है, इंफिनिटी होता है। इंफिनिटी उस लाइन का स्लोप होता है जो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन है एंड एक्स एक्सिस के जो पैरेलल लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, हमेशा जीरो स्लोप होगा, उसका स्लोप क्या होगा, जीरो। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं, ये आपके पास कोई सर्कल है, सर्कल के ऊपर कोई भी पॉइंट लोकेट करते हैं, मान लीजिए दिस इज एक्स वन वाई वन एंड सेंटर से इस लाइन को ज्वाइन करते हैं, इसका रेडियस अगर आर है, इसका रेडियस अगर आर है एंड ये एंगल आपके पास क्या है, थीटा, सो एक्स वन किसके इक्वल होगा, एक्स वन ये डिस्टेंस है, एक्स वन क्या होगा आपके पास, साइन थीटा इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन आर, तो सॉरी कॉस थीटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज है, कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स वन अपॉन आर, सो एक्स वन क्या आ जाएगा, आर कॉस थीटा होगा। सिमिलरली वाई वन इज इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये किसके इक्वल होता है, वाई वन अपॉन आर, दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, साइन थीटा, सो वाई वन क्या आ जाएगा आपके पास, दिस इज आर साइन थीटा, ये क्या होगा आपके पास, आर साइन थीटा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है किसी एक सर्टेन सर्कल के ऊपर लाइ करता है, तो उसके कोऑर्डिनेट्स होंगे आर कॉस थीटा एंड आर साइन थीटा। अब देखिए अगर आपने इस लाइन को रोटेट कर दिया है अल्फा एंगल से किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अब इसके नए कोऑर्डिनेट, इसकी टिप के नए कोऑर्डिनेट x2
और y2 है, x2 और y2 है, तो ये किसके इक्वल होंगे? दिस लाइन और ये P ले लो, ये दिस इज Q, Q पॉइंट ले लिया आपके पास, यहां पर साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा, साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा एंगल किसके इक्वल होगा? दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज रेडियस उतना ही है, आर ही रहा, क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज वाई वाई टू, दिस इज वाई टू अपॉन आर, सो वाई टू किसके इक्वल हुआ आपके पास? दिस इज आर साइन अल्फा प्लस थीटा या थीटा प्लस अल्फा। सिमिलरली दिस इज दिस लेंथ इज, ये आपके पास पहले एक्स वन था एंड अब लेंथ है ये क्या है? दिस इज एक्स टू, एक्स टू, एक्स टू अपॉन दिस इज आर, ये किसके इक्वल होगा आपका? कॉस थीटा प्लस अल्फा के इक्वल होगा। सो एक्स टू क्या आ जाएगा आपके पास? दिस इज आर कॉस थीटा प्लस अल्फा के इक्वल होगा। जस्ट आपने क्या किया है, उसी रेडियस को एंटी क्लॉकवाइज थीटा एंगल रोटेट कर दिया, तो इनके कोऑर्डिनेट्स क्या फॉर्म हो गया आपके पास? वाई कोऑर्डिनेट जो ऑर्डिनेट होगा, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा। सो ऑर्डिनेट क्या है आपके पास? आर साइन थीटा प्लस अल्फा, पहले क्या था? आर साइन थीटा था, अब क्या हो गया आपके पास? आर साइन थीटा प्लस अल्फा, मींस साइन जो आर्गुमेंट है वो अल्फा से इंक्रीज कर दिया, एंड एक्स टू कोऑर्डिनेट क्या है? आर इनटू कॉस थीटा प्लस अल्फा, ये भी आपके पास किसे इंक्रीज हो गया? जो आर्गुमेंट है वो अल्फा एंगल से इंक्रीज कर दिया। सो अगर आपके पास ये दिया हुआ है कि कोई पॉइंट है जिसकी ओरिजिन से यूनिट डिस्टेंस के ऊपर है एंड उसके कोऑर्डिनेट्स हैं कॉस थीटा एंड दिस इज साइन थीटा, सो अगर इस पॉइंट पी को आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं अल्फा एंगल के ऊपर, सो इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? कॉस थीटा प्लस अल्फा कॉमा साइन थीटा प्लस अल्फा। अगर इस पॉइंट को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं एंड लेंथ उतनी ही रखते हैं, दिस इज क्यू डैश पॉइंट ले लो, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे आपके पास? दिस इज कॉस थीटा माइनस अल्फा कॉमा, क्या आ जाएगा आपके पास? साइन थीटा माइनस अल्फा होगा, ये कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आर्गुमेंट अल्फा से इंक्रीज हो जाएगा, अगर क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं तो आर्गुमेंट क्या होगा उनका? कि अल्फा एंगल से डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है मीडियन ऑफ ए डी एंड बी ई ऑफ ए ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल दी हुई है जिसके ए और बी वर्टेक्स दिए हैं, ए वर्टेक्स आपके पास दिस इज जीरो एंड बी दिस इज ए, एंड बी वर्टेक्स दिया हुआ है बी जीरो जीरो है आपके पास, एंड सी वर्टेक्स है दिस इज सी दिस इज ए और जीरो दिया हुआ है, ए और जीरो, चलो ये तो ऐसे ही फॉर्म हो जाती है ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल टाइप दिखती है। अब ये कह रहा है कि ए डी मीडियन है, ए डी मीडियन है मींस डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी, सो डी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? ए बाई टू कॉमा जीरो, एंड सेकंड कह रहा है कि बी ई, एक मीडियन क्या है आपके पास बी ई, इसके तो ई के कोऑर्डिनेट्स आपके पास क्या आएंगे? ए प्लस जीरो बाई टू दिस इज ए बाई टू, बी प्लस जीरो बाई टू दिस इज बी बाई टू। अब ये कहता है कि AD is perpendicular to, AD is perpendicular to क्या है आपके पास? BE है, तो आप A की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये करने से पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम एक आर्टिकल करते हैं। अगर आपके पास कोई एक लाइन है जिसका एक सर्टेन स्लोप है, लाइन थीटा एंगल बनाती है, थीटा एंगल विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तो इसका स्लोप क्या आ गया? m इज इक्वल टू tan थीटा 1 आ गया।
थीटा वन एंगल बनाती है। अगर इसके कोई परपेंडिकुलर लाइन नहीं, इसके परपेंडिकुलर लाइन है, कोई लाइन इसके परपेंडिकुलर है, सो इसका मतलब वो एक्स एक्सिस के साथ थीटा टू एंगल बनाती है, ये हमने सपोज कर लिया। थीटा टू अब एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल का, ए बी और सी इस ट्रायंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ये आपके पास 90 है क्योंकि दोनों लाइंस, दिस इज एल वन एंड एल टू, दोनों परपेंडिकुलर है, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, सो आपके पास थीटा टू किसके इक्वल होगा, 90 प्लस थीटा वन के इक्वल होगा, एंड टेन थीटा वन किसके इक्वल है आपका, एम वन के इक्वल है, फर्स्ट लाइन का स्लोप है एम वन, दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है, ध्यान रहे। अब देखिए थीटा टू क्या आ गया, थीटा टू दिस इज इक्वल टू 90 प्लस क्या है आपका थीटा वन, एंड थीटा टू इज स्लोप ऑफ सेकंड लाइन दिस इज एम टू, क्या होगा दिस इज इक्वल टू 10 90 प्लस थीटा वन, एंड ये सेकंड क्वाड्रेंट है 90 के ऊपर टी रेशियो चेंज हो जाते हैं, एंड 10 थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, दिस इज माइनस कॉस कॉट थीटा वन, दिस इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन 10 थीटा वन, एंड 10 थीटा वन किसके इक्वल है, एम वन के इक्वल है, सो एम टू क्या आ गया आपके पास, एम टू इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन एम वन, एंड क्या हो गया एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू क्या होगा माइनस वन, एम वन इंटू एम टू क्या होगा आपके पास माइनस वन। सो यहां पर हमें, हम एक निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा, माइनस वन के इक्वल होगा, उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन क्या होगा माइनस वन। यही कंसेप्ट हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ए डी मीडियन है, सेकंड बी ई मीडियन है, दोनों मीडियन परपेंडिकुलर हैं, तो स्लोप ऑफ, स्लोप जो कि हमने सीख लिया निकालना, स्लोप ऑफ ए डी क्या आएगा, दिस इज वाई टू माइनस वाई वन, दिस इज जीरो माइनस बी अपॉन एक्स टू माइनस ए बाई टू माइनस जीरो, दिस इज माइनस टू बी अपॉन क्या आ गया ए, एंड स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ दिस इज बी ई, बी ई का स्लोप क्या होगा आपके पास, दिस इज ए टू माइनस वाई टू माइनस वाई वन एंड अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, क्या आ जाएगा दिस इज बी बाई टू माइनस जीरो अपॉन ए बाई टू माइनस जीरो, दिस इज बी अपॉन क्या होगा ए, बी अपॉन ए, दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू किसके दे रखा है आपका, बी ई के परपेंडिकुलर दे रखा है, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन, इनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होगा माइनस वन, दिस इज एम टू ले लो एंड दिस इज एम वन, एम वन इंटू एम टू किसके इक्वल होगा, अभी ड्रा किया था हमने ये रिजल्ट, दैट इज माइनस वन के इक्वल होगा, मीन्स क्या आ जाएगा माइनस टू बी अपॉन दिस इज ए इंटू बी अपॉन ए, दिस इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, क्या आ जाएगा दिस इज इक्वल टू ए स्केयर इज इक्वल टू टू बी स्केयर, ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास प्लस माइनस स्केयर रूट ऑफ टू इंटू क्या होगा बी के इक्वल होगा। यही कंडीशन आपको फाइंड आउट करनी थी कि ए और बी के बीच क्या कंडीशन होगी, क्या होगा ए विल बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी। अब देखिए अगर दो लाइन है आपके पास, एक लाइन का स्लोप है आपके पास एम वन, ये L1 लाइन ले लो एंड स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ L1 दिस इज इक्वल टू M1 लिया। दूसरी कोई लाइन है, दूसरी कोई लाइन L2 है एंड स्लोप ऑफ, स्लोप ऑफ L2 दिस इज इक्वल टू क्या लिया आपने M2 के इक्वल ले लिया। अब देखिए यहां पर ये एंगल कितना है थीटा 2, सो थीटा वन, सॉरी एल वन लाइन है ये
थीटा मान लेते हैं, कौन सा भी ले सकते हैं आप, एंड ये एंगल ले लिया आपने थीटा टू। सो दोनों लाइंस के बीच या तो थीटा हो सकता है या पाई माइनस थीटा कहेंगे। ये अक्यूट एंगल है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है। अगर ये अक्यूट है तो ये ऑब्ट्यूस होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है, ये एंगल थीटा है, तो ये क्या होगा, पाई माइनस थीटा। सो दोनों के बीच एंगल क्या है आपके पास, थीटा या पाई माइनस थीटा। इन केस अगर आप अक्यूट एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो टेन थीटा किसके इक्वल होगा, टेन थीटा। आप देखिए थीटा क्या होगा, हमें ये पता है थीटा वन एक्सटीरियर एंगल है, सो थीटा वन विल बी इक्वल टू सम ऑफ द टू फार इंटीरियर एंगल्स, दिस इज थीटा प्लस थीटा टू। सो थीटा इज इक्वल टू थीटा वन माइनस थीटा टू, थीटा वन माइनस क्या हो गया, थीटा टू। सो आपके पास क्या आ जाएगा, टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा वन माइनस माइनस थीटा टू। अब ये फार्मूला टेन ए माइनस बी हम जानते हैं ट्रिग्नोमेट्री से, क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू टेन थीटा वन माइनस टेन थीटा टू अपॉन वन प्लस टेन थीटा वन एंड टेन थीटा टू, ये होगा। एंड टेन थीटा वन किसके इक्वल है, टेन थीटा वन दिस इज एम वन के इक्वल है, एंड एम टू क्या है, दिस इज टेन थीटा टू। सो क्या होगा यहाँ पर, टेन थीटा विल बी इक्वल टू, टेन थीटा विल बी इक्वल टू क्या होगा आपके पास, दिस इज एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू होगा। इन केस आप ऑब्ट्यूस एंगल फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्या होगा, दिस इज एंगल बिटवीन द लाइंस, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होगा, पाई माइनस थीटा, एंड दिस विल बी इक्वल टू माइनस टेन थीटा, दिस विल बी इक्वल टू क्या होगा, माइनस टेन थीटा। सो इस केस में वैल्यू क्या आ जाएगी, टेन थीटा किसके इक्वल होगा, ऑब्ट्यूस के केस में माइनस एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन और एम टू होगा, ये होगा टेन थीटा की वैल्यू। थीटा इज अक्यूट एंगल बिटवीन देम। सो आप कंबाइन करके इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं, थीटा अक्यूट या ऑब्ट्यूस दोनों कौन सा भी निकालना पड़े तो क्या आएगा आपके पास, टेन थीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एम वन माइनस एम टू अपॉन वन प्लस एम वन एम टू होगा। मॉडुलस ऑफ, एक केस में अगर थीटा अक्यूट है तो पॉजिटिव ले लेंगे, अगर थीटा आपका ऑब्ट्यूस है तो क्या ले लेंगे, मींस थीटा की जगह आपने पाई माइनस थीटा लिया तो इसको नेगेटिव साइन दे देंगे। एक केस में आपका अक्यूट होगा, एक केस में क्या होगा, ऑब्ट्यूस होगा। ऑब्ट्यूस के केस में मॉडुलस हटा करके इसका नेगेटिव साइन देंगे। अब देखिए अगर कोई लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, पहले तो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस की क्या खास बात होती है, इसके ऊपर हर जगह वाई जीरो होता है, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होता है। सो इसकी इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन y इज इक्वल टू जीरो, एंड y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन के ऊपर हर जगह आपका x कोऑर्डिनेट जीरो होगा, तो इक्वेशन ऑफ y एक्सिस की इक्वेशन क्या होगी, x इज इक्वल टू जीरो। एनी लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस के पैरेलल होगी, वो लाइन क्या होगी, जैसे पैरेलल लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उस लाइन की x एक्सिस से डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट रहेगी, मींस y इज इक्वल टू a दे दो, y a कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है, जीरो हो सकता है तो y इज इक्वल टू जीरो लाइन खुद x एक्सिस आएगा, जैसे y इज इक्वल टू ये लाइन ले दी आपने टू। सेकंड लाइन क्या हो सकती है, जैसे y इज इक्वल टू माइनस टू, ये क्या होगी, बिलो x एक्सिस लाई करेगी। तो इक्वेशन
पैरेलल टू एक्स एक्सिस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वाई इज इक्वल टू ए, एंड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज पैरेलल टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन होगी वो मीन्स वाई एक्सिस के पैरेलल है इस लाइन में और वाई एक्सिस में डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, यानी कि एक्स की वैल्यू सेम रहेगी, एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा ए। ए अगर ग्रेटर देन जीरो है, ए ग्रेटर देन जीरो है तो वाई एक्सिस के राइट साइड में लाई करेगी, ए अगर लेस देन जीरो है तो ये लाइन वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में लाई करेगी, अगर ए इज इक्वल टू जीरो है तो ये इक्वेशन खुद वाई एक्सिस की हो जाएगी, दिस विल बी इक्वल टू वाई एक्सिस। अब ये कहता है फाइंड द जॉइंट इक्वेशन, ये कहता है कि द इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट दे रखा है आपको, ए बी पॉइंट है, ए बी पॉइंट है, ए कॉमा बी, ए एक्स कोऑर्डिनेट है एंड बी वाई कोऑर्डिनेट है, इस पॉइंट से पास होने वाली पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन निकालनी है जो पैरेलल टू, जो लाइन इससे पास होंगी पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस के इक्वल है। सो इससे पास होने वाली पैरेलल टू एक्स एक्सिस कौन सी लाइन होगी, वाई इज इक्वल टू बी, क्योंकि यहां पर वाई कोऑर्डिनेट क्या आपके पास बी है, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस लाइन कौन सी पास हो सकती है इस पॉइंट से, दिस विल बी एक्स इज इक्वल टू ए लाइन पास होगी। हमें इन दोनों लाइंस की जॉइंट इक्वेशन निकालनी है, सो इस लाइन की इक्वेशन क्या हुई, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाई माइनस वाई इज इक्वल टू बी मींस वाई माइनस बी इज इक्वल टू जीरो, एंड इस लाइन की इक्वेशन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है उसकी इक्वेशन क्या हुई, एक्स इज इक्वल टू ए या एक्स माइनस ए इज इक्वल टू जीरो। जॉइंट इक्वेशन क्या होगा, इन दोनों लाइंस की मल्टीप्लीकेशन कर दो क्या आ जाएगा, x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू जीरो। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस जो इस पॉइंट से पास होंगी, एंड वो लाइंस पैरेलल टू किसके होंगी, आपकी कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल, कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होंगी पॉइंट ए बी से। नेक्स्ट है आपका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लाइन की इक्वेशन क्या होगी, अगर आपके पास कोई लाइन है जो वाई एक्सिस के साथ सी लेंथ का इंटरसेप्ट फॉर्म करती है, इसके ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट आपने पी लिया जिसके कोऑर्डिनेट क्या है एक्स वाई, सो एक्स वाई जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही इस लाइन की इक्वेशन होगी, वही इस लाइन, इस पॉइंट का जो लोकस होगा, जो पाथ ये पॉइंट फॉलो करेगा वही क्या होगा आपके पास स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी जो एक्स और वाई सेटिस्फाई करेंगे। देखिए आपके पास स्ट्रेट लाइन है, ये एक्स एक्सिस के साथ मान लो थीटा एंगल बनाती है, एंड कोई भी वेरिएबल पॉइंट है इसके ऊपर, दैट इज पी पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट एक्स और वाई है, सो एक्स और वाई जिस लाइन को, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे वो स्ट्रेट लाइन, दिस ए बी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी, क्योंकि ये ए बी स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाइन होता है। अगर हम ओरिजिन से पास करते हुए एक लाइन ड्रा करते हैं तो इस गिवन लाइन के पैरेलल, सो ये एंगल थीटा है, इसके पैरेलल लाइन ड्रा की है, ऑब्वियसली ये एंगल भी क्या होगा थीटा, एंड पी से परपेंडिकुलर डाला आपने, पी से परपेंडिकुलर डाला, दिस इज क्यू एंड ये पॉइंट क्या ले लिया आपने आर, यहाँ पर दो पैरेलल लाइंस है एंड यहां से परपेंडिकुलर डाला है, ये जो इंटरसेप्ट होगा ये परपेंडिकुलर है एक्स एक्सिस के ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर ये भी परपेंडिकुलर है, तो ये लेंथ भी क्या होगी आपके पास इक्वल होगी,
आपके पास पी क्यू लेंथ क्या है, पी क्यू इज इक्वल टू वाई के इक्वल है, एंड वाई इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं आप, दिस इज आर क्यू प्लस आर पी, आर क्यू प्लस आर पी, क्यू आर लिख लो इसको, दिस इज क्यू आर एन प्लस आर पी, आर पी आपके पास सी के इक्वल है, दैट इज वाई इंटरसेप्ट है। अब क्यू आर का चक्कर है, देखिए पी के कोऑर्डिनेट एक्स कॉमा वाई है, ये लेंथ वाई के इक्वल है, तो ओ क्यू लेंथ किसके इक्वल होगा, एक्स के इक्वल होगा। सो यहां से इस ट्रायंगल ओ क्यू आर में टेन थीटा क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, क्यू आर अपॉन एक्स, ओ क्यू एक्स के इक्वल है, तो क्या आ जाएगा आपके पास, क्यू आर इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास, दिस इज एक्स इंटू टेन थीटा, एंड थीटा वो एंगल है जो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ फॉर्म करती है, तो एम इज ये क्या है आपका, टेन थीटा इज स्लोप ऑफ द लाइन। सो वाई इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास, दिस इज एम एक्स प्लस सी, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन इन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। जनरल इक्वेशन आपको क्या बताई थी, जनरल इक्वेशन ऑफ द लाइन आपके पास थी, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन वो थी आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदलना चाहते हैं तो इससे कंपेयर कर दो, वाई अकेला है यहाँ पर, क्या आ जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, माइनस ए अपॉन बी इंटू एक्स, एंड माइनस क्या आएगा, सी माइनस बी, सी अपॉन बी। ये आपकी जनरल इक्वेशन है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में बदल सकते हैं। तो यहां पर जनरल इक्वेशन में स्लोप क्या आएगा, स्लोप इज इक्वल टू माइनस ए अपॉन बी आएगा। तो यहां से एक और कंसेप्ट इकट्ठा करो, अगर कोई लाइन दे रखी है आपको उसका स्लोप फाइंड आउट करना है, एक्स के कोफिशियंट का नेगेटिव अपॉन वाई का कोफिशियंट, वो उस लाइन का क्या होगा, स्लोप। और वाई इंटरसेप्ट क्या होगा, वाई इंटरसेप्ट क्या होगा आपके पास, इस जनरल इक्वेशन के अंदर दिस इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म का नेगेटिव अपॉन कोफिशिएंट ऑफ दिस इज वाई दिस इज बी, ये आ जाएगा, सॉरी दिस इज बी, यस दिस इज बी। अरे हो गया, जैसे आपको इक्वेशन दी है, दिस इज थ्री एक्स प्लस फोर वाई प्लस नाइन, नाइन प्लस फोर वाई दिस इज वाई इज इक्वल टू जीरो। अगर आप इस लाइन का स्लोप फाइंड आउट करेंगे, स्लोप क्या होगा, नेगेटिव ऑफ एक्स का कोफिशियंट दिस इज माइनस थ्री अपॉन वाई का कोफिशियंट दिस इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस थ्री अपॉन फोर, दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन। सो आपके पास स्लोप इंटरसेप्ट जनरल इक्वेशन आ गया आपको, दिस इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस क्या है आपके पास, c, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस c। अब हम ऐसी इक्वेशन फाइंड आउट करना चाह रहे हैं जो ओरिजिन से पास होती हो और जिसका सिर्फ हमें क्या पता है, स्लोप पता है। अगर ओरिजिन से पास होती है, मान लीजिए ये लाइन है इसका स्लोप m है, एंड ये ओरिजिन से पास होती है, तो x इज इक्वल टू जीरो y इज इक्वल टू जीरो इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हैं इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे, तो क्या आएगा, जीरो प्लस जीरो प्लस सी मीन्स सी विल बी जीरो। सो आपके पास इसकी ही एक सब्सिडियरी इक्वेशन क्या है आपके पास, y इज इक्वल टू एम एक्स, ये क्या किसकी इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू किससे पास हो रही है, पासिंग थ्रू ओरिजिन, ओरिजिन से पास हो उसकी इक्वेशन। जनरल इक्वेशन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एंड आपके पास इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू किसके है, आपके ओरिजिन, तीनों इक्वेशन आपको पता है। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि
एक लाइन की इक्वेशन फॉर्म करो जिसका स्लोप क्या है, स्लोप ऑफ लाइन दिस इज एम, उसका स्लोप गिवन है एंड एक पॉइंट से पास हो रही है वो लाइन, मान लीजिए एक्स वन वाई वन पॉइंट से पास हो रही है, एक्स वन कॉमा वाई वन ए पॉइंट से पास हो रही है, तो अगर इस लाइन के ऊपर कोई भी वेरिएबल पॉइंट लेते हैं, दिस इज बी पॉइंट ले लिया एक्स कॉमा वाई, सो स्लोप ऑफ ए पी क्या हुआ, दिस इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन, दो कोऑर्डिनेट्स हैं उनके वाई को के कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस अपॉन क्या आ जाएगा एक्स माइनस एक्स वन, एंड स्लोप गिवन है आपको दिस इज एम, तो क्या कर देंगे दिस इज वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन दिस इज इक्वल टू एम, सो आपके पास क्या आ जाएगा वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, उस लाइन की इक्वेशन होगी जो एक पॉइंट एक्स वन वाई वन से पास हो रहा है एंड जिसका स्लोप दिया हुआ आपको, जैसे ये कहते हैं आपको एक लाइन की इक्वेशन बनाइए जो किससे पास हो रही है माइनस टू माइनस थ्री पॉइंट से पास हो रही है एंड स्लोप उस लाइन का कितना है, स्लोप इज इक्वल टू 3/2 है, सो इक्वेशन क्या आ जाएगी इक्वेशन दिस इज वाई माइनस वाई वन वाई माइनस माइनस थ्री वाई वन एक्स वन वाई वन ये पॉइंट है इज इक्वल टू 3/2 स्लोप इंटू एक्स माइनस माइनस टू, क्या है आपके पास वाई प्लस थ्री इज इक्वल टू 3/2 इंटू एक्स प्लस टू होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो दिस इज क्या होगा 2y + 6 इज इक्वल टू 3x + 6, आपने क्या कर दिया 6 से 6 कैंसिल कर दिया तो क्या आ गया वाई इज इक्वल टू 3/2x, ये इक्वेशन होगी लाइन की, मीन्स ये लाइन ओरिजिन से भी पास होगी क्योंकि किससे मेल खाती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स से, ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसी इक्वेशन आए, साथ में कुछ ऐड भी हो सकता है, ये तो बाय चांस था आपके पास ऐसी इक्वेशन आ गई जो किससे पास हो रही है ओरिजिन से पास हो रही है, सो नंबर वन जनरल इक्वेशन, नंबर दो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, नंबर थ्री आपके पास लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है एंड जिसका स्लोप पता है एंड फोर्थ क्या है इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप स्लोप कितना है एम एंड पासिस थ्रू किससे पास हो रहा है एक्स वन वाई वन पॉइंट से पास हो रहा है, क्या इक्वेशन होगी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, जैसा कि हमने अभी ड्रा किया था, तो चार टाइप की आप स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, चार फॉर्म आपके पास हैं। नेक्स्ट देखिए ये याद रखेंगे आप, दिस इज इसको छोटा लिख देता हूं एक बार साइड में, ये है आपके पास दिस इज एक पॉइंट से पास, ये आप खुद ध्यान रखेंगे वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, अब देखिए इसी से रिलेट करेंगे, कोई नई खोज नहीं करेंगे, हम इसी के पास जाएंगे स्लोप के कंसेप्ट के पास जाकर एक के ही स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अगर देखिए आपके पास एक लाइन है जो दो पॉइंट्स ए दिस इज एक्स वन वाई वन एंड बी पॉइंट है दिस इज एक्स टू वाई टू, दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन फॉर्म करेंगे। अब लाइन के ऊपर कोई पॉइंट तो ले सकते हैं हम, कोई पॉइंट तो होगा, पॉइंट इनफाइनाइट पॉइंट्स लाइन के ऊपर लाई करते हैं, हमने कोई पॉइंट ले लिया वेरिएबल पॉइंट एक्स वाई जो कहीं पर भी हो, तो देखिए स्लोप ऑफ एपी क्या आएगा आपके पास दिस इज एक्स एक्स माइनस एक्स वन सॉरी वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन, ये हो गया एंड स्लोप ऑफ स्लोप
ऑफ दिस इज ए बी, ये क्या आएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो दोनों आपके एक ही लाइन के स्लोप है, ए पी इज पैरेलल टू ए बी है बिकॉज दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, ये तीन कोलिनियर पॉइंट है तो सेपरेटली उनको ज्वाइन करेगी उन लाइंस का क्या होगा, ए पी का ए बी का स्लोप इक्वल होगा या पी पी और ए बी का स्लोप लें वो भी आपका क्या होगा इक्वल होगा। सो यहां से क्या कर सकते हैं आप, दिस इज वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। सो आपके पास क्या हुआ, वाई माइनस वाई वन दिस इज इक्वल टू क्या आएगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू क्या आएगा एक्स माइनस एक्स वन। बिल्कुल सिंपल है, याद रखना कोई प्रॉब्लम नहीं है। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट एक्स वन वाई वन हैविंग स्लोप एम, क्या इक्वेशन होगी, दिस इज वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एक्स वन वाई वन जिसके कोऑर्डिनेट है बी पॉइंट एक्स टू वाई टू कोऑर्डिनेट है, क्या आएगा y minus y1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1 into x minus x1। बिल्कुल सिंपल है, बहुत सिंपल है। अब यहां पर ये आपके दिमाग में आए कि देखो यहां पर y2 minus y1 x2 minus x1 निकाला था आपने, ठीक है ये स्लोप है इस लाइन का, लेकिन आप ये कहें कि BP को और AB को पैरेलल कर दे तो अभी कोई बात नहीं, वही बात है ये लाइन इन दोनों पॉइंट्स को सेटिस्फाई करेगी। इसकी इक्वेशन ये भी हो सकती है y माइनस वाई टू इज इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स टू, ये पॉइंट्स भी आप ले सकते हैं। इसमें कोई आप करके देखना, क्वेश्चन बना के देखना, सेम टाइप की इक्वेशंस आएगी, पैरेलल इक्वेशंस आएगी, कांस्टेंट का डिफरेंस हो सकता है। अब देखिए ये आपके पास टू पॉइंट से पास होने वाली इक्वेशन थी स्ट्रेट लाइन की। अब एक क्वेश्चन करते हैं, ये कहता है दिस इज कि पी पॉइंट है आपके पास, पी एक पॉइंट है माइनस वन कॉमा जीरो एंड क्यू पॉइंट है क्यू इज जीरो जीरो पॉइंट, क्यू जीरो जीरो पॉइंट है एंड आर पॉइंट दे रखा है आर दिस इज थ्री एंड थ्री रूट थ्री, ये पॉइंट है, ये पॉइंट्स दे रखे हैं। देन इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल कौन सा ओरिजिन ये है ना पी क्यू आर, दिस इज पी क्यू आर एंगल का जो बाइसेक्टर है उसकी इक्वेशन आपको निकालनी पड़ेगी। इसमें बाइसेक्टर की इक्वेशन आप आगे पढ़ेंगे उसमें करते हैं, लेकिन इसने थोड़ी सी राहत दे दी है यहाँ पर, क्यू आपको क्या दे दिया ओरिजिन दे दिया, सो इससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिला। पी पॉइंट है दैट इज माइनस वन और जीरो एंड आर पॉइंट है दैट इज थ्री कॉमा थ्री अंडर रूट थ्री। अभी आप स्लोप और सर्टेन टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं, अभी आप बाइसेक्टर के पास पहुंचे नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन है इसके बाइसेक्टर की इक्वेशन हम स्लोप का इस्तेमाल करके निकाल सकते हैं, इसलिए ये क्वेश्चन पहले दे दिया। देखिए यहां पर क्यू आर स्लोप ऑफ क्यू आर, क्यू आर का स्लोप क्या होगा, क्यू आर का स्लोप दिस इज एम मान लो, दिस इज क्या आएगा या टेन थीटा ले लो, टेन थीटा ये एंगल थीटा है, टेन थीटा क्या आएगा थ्री अंडर रूट थ्री माइनस जीरो y2 minus y1 upon 3 minus 0 this is equal to square root of 3, so theta is 60
थीटा आपके पास 60 है, ये एंगल आपके पास 60, सो ये टोटल एंगल क्या हुआ, दिस इज 120। एंड 120 एंगल का बाइसेक्टर ड्रा करेंगे, दिस एंगल इज ऑफ 60 डिग्री। एंड ये टोटल एंगल कितना हुआ, दिस इज 120। एंड बाइसेक्टर एंगल पी, एंगल पी क्यू आर का बाइसेक्टर क्या है, दिस इज क्यू एस, दिस इज क्यू एस लेवल। सो स्लोप ऑफ क्यू एस क्या है आपके पास, दिस इज इक्वल टू 10 120। 10 120 क्या होता है, दिस इज एम वन ले लो, 10 120 मीन्स पाई माइनस पाई बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस टेन पाई बाई थ्री, दिस इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री। स्लोप आपके पास क्या आया, माइनस अंडर रूट थ्री। एंड दूसरी बात, मजेदार बात, ओरिजिन से पास हो रहा है, किस टाइप की इक्वेशन आएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स फॉर्म में आएगी। m क्या है, इसका स्लोप है, तो इक्वेशन क्या हुई, y इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट थ्री x, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड बाइसेक्टर, ये इक्वेशन हो गया।